सम सिग्निफिकेंट केस लो दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन के लिए जो भी रिलेटेड है दैट विल डिस्कस. द फर्स्ट थिंग इज चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, दैट इज CAT 2015 का केस लो है. एंड दैट इज रायला कॉर्पोरेशन वर्सेज असिस्टेंट CIT दैट 2016 2000, राज दाभेकर एंड एसोसिएट्स वर्सेज SCIT. तो इसका जो इश्यू क्या था, इश्यू ये था बेटा कि कोई भी रेंटल इनकम, एनी रेंटल इनकम फ्रॉम लेट बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट प्रॉपर्टी टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और PGBP. क्वेश्चन ये था कि समवन इज एंगेज्ड इन लीजिंग आउट, उसका काम ये है कि एक बिल्डिंग बनाएगा और उनको लीज आउट कर देगा, ठीक है, यही उसका बिजनेस है. और यहाँ से आप मुझे ये बताना है कि PGBP के अंदर ये टैक्सेबल होगी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी, विच पार्ट इट विल बी टैक्सेबल. तो उसके अंदर ये जजमेंट के अंदर जो चेन्नई प्रॉपर्टी जजमेंट था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, द होल्डिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड अर्निंग इनकम बाय लेटिंग आउट दिस प्रॉपर्टी इज द मेन ऑब्जेक्टिव. प्रॉपर्टी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको लेट आउट किया जा सके, ठीक है. तो द मेन ऑब्जेक्टिव वेयर इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव द प्रॉपर्टी इज लेटिंग आउट. सो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय द कंपनी एक्सेप्टेड बाय द AO एंड द इंटायर इनकम ऑफ द कंपनी कंप्राइज्ड ऑफ इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली हेड दिस इनकम इज टैक्सेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम. क्योंकि उसका काम बिजनेस करने का क्या है, लीजिंग आउट करने का, एक बिजनेस कर रहा है, एक धंधा कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा. तो ये एज पर देखा जाए तो हम ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. उसके बाद एक जजमेंट और भी है, उसके अंदर रायला कॉर्पोरेशन के अंदर भी सेम कुछ इसी टाइप का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि SSC वाज इंगेज नॉट ओनली इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग इट प्रॉपर्टी. ये तो लीजिंग आउट का एक वो था, अगर रेंटिंग रेंट आउट कर रहा हो तो अगर उसका काम यही है कि प्रॉपर्टी बनाओ उसको रेंट आउट कर दो, तो इन दैट केस आल्सो द अर्निंग रेंटल इनकम इनकम विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम. तो इस इट विल नॉट बी टैक्स एज हाउस प्रॉपर्टी. द रेंट आउट करने का भी बिजनेस कर रहा है, उसका काम ही है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंट आउट एंड गेट द रेंटल इनकम, दैट इट विल कम अंडर PGBP, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं कि रेंट आउट कर रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स कर दे, नहीं. अगर उसका काम ही है रेंट आउट करने का, देखो क्या बहुत सारे लोगों का ऐसे रहता है, वो बिजनेस बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, एक बिल्डर रहेगा, वो बिल्डिंग बनाएगा, उसके जितने फ्लैट्स रहेंगे उसको रेंट पे लेट आउट कर देगा, तो सब फ्लैट्स को लेट आउट करेगा, उससे रेंटल इनकम आती रहेगी हर महीने उसकी. इसी तरह दूसरा उसने एक फ्लैट बनाया, एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, देर आल्सो सेम ही डिडंट सोल्ड द प्रॉपर्टी. और कई लोग क्या करते, प्रॉपर्टी सोल्ड करते, सेल करते, सेल करने के बाद अगर प्रॉपर्टी बच जाती है तो उसको रेंट पे देते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ इनकम तो आएगी कि जस्ट लाइंग वेकेंट. तो नोशनल इंटरेस्ट वाला भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है, अगर 2 साल तक आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है और उसको यूज ही नहीं किया जा रहा, ना ही वो सेल हो रही, तो उसको सीधी सी बात है आपसे कुछ रेंटल इनकम आनी चाहिए. अगर आप रेंटल इनकम नहीं कमा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको रेंटल इनकम डिपार्टमेंट मान देगा, आप कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता. तो इन द सेम वे अगर आप वो बिजनेस ही ऐसा कर रहे हो तो उसको आपका काम ही वो रेंट आउट करने का, सेल करने का कोई मोटिव ही नहीं है, तो उस केस में आपको दैट इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम, नॉट एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन जो राज दादरकर केस है और एसोसिएट 2017 का केस है, उसमें लैक ऑफ sufficient material to prove that substantial income of the SSC was from the letting out of the property. Now ACIT है, जो भी DCIT है, ACIT मतलब Assistant Commissioner of Income Tax, Deputy Commissioner of Income Tax, who is the assessing officer, he has to prove that he has a substantial interest. उसका पूरा एक sufficient material होने चाहिए कि जो इसका interest है, SSC का income है, substantial income है, वो from letting out of the property. अगर ऐसा prove हो गया तो Supreme Court बोलेगा कि income from house property नहीं होगी. लेकिन ऐसा prove नहीं हुआ ना, तो Supreme Court ने बोला because this could not be proved. So यहाँ पे ऐसे लिखा है, the lack of sufficient material to prove the substantial income, the court held that income from house property, this income will be taxed. So the rental income agar aa rahi hai to house property mein hi aayegi. Agar aap ye prove nahi kar paaye ki SSC ki major income ka chunk hai aur rental income se aa raha hai, agar aapne prove kar diya to that will go to PGBP, otherwise it will go to income from house property. सो दिस इज द फर्स्ट केस चेन्नई. फर्स्ट केस के अंदर 3 महीने केस डिस्कस किए, चेन्नई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रायला कॉर्पोरेशन और राज दादरकर एंड एसोसिएट. तो ये सब केस लॉज के अंदर आपको पता चल गया कि अगर आपका बिजनेस लीज आउट करने का है, आपका काम ही वो है, आपका वो धंधा कर रहे हो, या फिर लेट आउट करने का है, रेंट पे देने का है, तो उस केस में वो PGBP के अंदर इनकम को टैक्स करेंगे, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी, सिर्फ PGBP में होगी, ठीक है. सेकेंड केस लो पढ़ते हैं, CIT वर्सेस NDR वेयर हाउसिंग. सही बार क्या होता है, जैसे मेरे पास एक गोडाउन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
गोडाउन है मेरे पास, ठीक है। गोडाउन को मैंने फैसिलिटी दे दी और आपको कहा कि इफ यू वांट टू पुट एनी योर मटेरियल यू कैन यूज माय गोडाउन, ठीक है। तो कोई भी रॉ मटेरियल है मैंने उसको दे दिया, तो और मुझे आप दे देना रेंट। तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई मेरी रेंटल इनकम आ रही है, करेक्ट है ना। तो जब रेंटल इनकम आ रही है तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होना चाहिए। बात तो सही है सर, आपकी बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ ना मैं, जो रॉ मटेरियल मान लो आपने रखा वहां पे, उसकी टेक केयर का भी मुझे है, वहां पे मैंने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, ठीक है। और मैंने उसको पेस्ट कंट्रोल भी किया, क्योंकि देखो कुछ चीजों को अगर आप वहां पे रखोगे तो खराब ना हो जाए, पेस्ट कंट्रोल भी किया मैंने। बाकी के सब इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने ही अरेंजमेंट कर रखा है, बाकी सब चीजें में। तो इन दैट केस ऐसा लग नहीं रहा कि आप रेंट कमाने के लिए इतना सब कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रेंट का तो मतलब नहीं है, आप इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हो, सिक्योरिटी भी दे रहे हो, पेस्ट कंट्रोल भी कर रहे हो, बाकी सब सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हो। तो उस केस में जब ये सब सारी आपका सिर्फ वेयर हाउसिंग नहीं है, सिर्फ गोडाउन पे देने का ही पर्पज नहीं है, वहां पे और सब पर्पज भी है, तो इनकम विल बी टैक्स अंडर PGBP। और देख देन आई विल टेल यू, सी एक बार मैं इसका आपको बता देता हूँ। Under what head the income should be from letting out of should be taxed under letting out of go down or provision of warehousing service by subject to house property or PGBP किस head में आएगा? तो SSC की activity है ना, not merely letting out of the warehousing, उसके साथ storage of goods के साथ कई provision की service provide करा रहा है, जैसे pest control करा रहा है, rodent control करा रहा है, fumigation के लिए service to prevent the goods stored from being affected by vagaries of moisture, temperature, उन सब के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू द गुड स्टोर। उसने सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया और भूल गया भाई अब तो अपनी प्रॉपर्टी तो जैसे यूज करना चाहे यूज करना ही, वैसा नहीं कर रहा। उसके साथ साथ बहुत सारी ऑक्सिलरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो उसके गुड्स को जो उधर रखा है उस गोडाउन के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर जो भी प्रोविजन है उसको एक वेल मेंटेन करने के लिए भी और सर्विस प्रोवाइड। तो द ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो उसके बीच एग्जीक्यूट हुआ एफएससी, दैट इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस क्लियरली पॉइंट आउट दैट इट वॉज ए केस ऑफ वेयर हाउसिंग बिजनेस। वेयर हाउसिंग का बिजनेस चल रहा है भाई, ऐसा नहीं कि उसने एक, उसके पास एक वेयर हाउस था उसने रेंट पे दे दिया और भाई भूल गया, नहीं, उसके साथ साथ वो बहुत सारी टेक केयर भी कर रहा है। तो इस केस में दैट वेयर हाउसिंग बिजनेस एंड देयरफॉर द इनकम वुड फॉल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ, तो दैट इनकम विल कम अंडर PGBP। तो आपको होप करता हूं ये समझ में आ गया होगा, जो PGBP में अगर सिर्फ वेयर हाउस को लेट आउट कर दिया होता तो कोई बात नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता, लेकिन दैट विल बी टैक्स इन हाउस प्रॉपर्टी, बट उसने उसके साथ बहुत सारी प्रोविजंस के लिए एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड की, तो इसलिए ऐसा लग नहीं रहा जो ऑब्जेक्ट क्लोज था मेमोरेंडम को, से लग नहीं रहा कि वो सिर्फ वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पर्पज के लिए कर रहा है इन द केस ऑफ वेयर हाउसिंग एस्पेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो आप उसके साथ तो इसका मतलब दैट विल नॉट कम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये बात करते हैं कि HUF, अगर HUF के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो सकती है क्या? तो असेसिंग ऑफिस ने निकाला कि HUF करके तो कोई ऐसा कोई एग्जिस्टेंस होती ही नहीं। HUF तो क्या है, एक फिक्शनल एंटिटी बना दी जिसमें अंदर फैमिली मेंबर्स रहेंगे और वो ऑक्यूपाई तो कर ही नहीं सकते हाउस प्रॉपर्टी को। तो अगर किसी HUF के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं, फिक्शनल एंटिटी, ऐसी कोई एंटिटी होती ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन CIT वर्सेज हरि प्रसाद 2012 का ये केस है, इसमें बोला कि HUF इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू ईच अदर, जैसे फैमिली होती है उसमें नेचुरल पर्सन रहते हैं, तो फैमिली कैन रिसाइड इन ए हाउस विच बिलोंग टू HUF। तो फैमिली तो रिसाइड कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि सिंस HUF कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट बी सेड दैट टू बी फिक्शनल एंटिटी, देयरफॉर HUF इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22। तो HUF को यह था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या HUF को बेनिफिट मिलेगा जो एक इंडिविजुअल को मिलता है कि नहीं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, असेसिंग ऑफिसर ने बोला था नहीं मिलेगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस मिलेगा, उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो दैट इज वन ऑफ द केस, इन द केस ऑफ हरि प्रसाद के केस में, तो HUF के केस में आप जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो आप लेने से मना नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है बेटा CIT वर्सेस एशियन होटल्स, एक अच्छा केस लो है, आप देखो आप इसको पढ़ना, मैं आपको उसका ओवरव्यू बताऊंगा, आप खुद पढ़ना इसके बारे में, क्योंकि देखो बेटा जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बताओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ये सब केस लो और सब एक, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल
जो आम भाषा में उसको समझाने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान से, एक सरल बोलते हैं ना, सरल लैंग्वेज में आपको बताया जाए, ताकि एक प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से मैं हमेशा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में, आपको बाकी जगह पे इतना सब नहीं मिलता। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है, बट बाकी जगह पे आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना, और वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको समझ में आए। एक बार आपने कुछ मिस कर दिया, फिर अगले ही लेक्चर में वो सब आएगा, तो आपको फिर से वो रिवाइज करने के लिए पीछे आना पड़ेगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे आगे बढ़ो। तो देखो, कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, ठीक है, मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी है, उसने मिस्टर बी को दे दी रेंट पे, ही इज द रेंट वाला आदमी, इसको मिला है, मिस्टर ए को रेंट मिला है। तो इसने क्या किया, उसने मिस्टर बी को बोला कि कुछ आप है ना डिपॉजिट दे दो मुझे, ठीक है, जब तक आप मेरी प्रॉपर्टी को रेंट पे रखोगे, ये डिपॉजिट मेरे पास रहेंगे, कल को जब आप रेंट पे छोड़ दोगे तो ये डिपॉजिट मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है। असेसिंग ऑफिसर ने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा कि देखो सर, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, अगर ये डिपॉजिट मिस्टर ए अपने पास तो रखेगा नहीं, ये इसको किसी को दे देगा, किसी को दे देगा तो कुछ, मान लो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता तो वहां से उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही है, और इस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो कुछ ना कुछ उसने मान लिया कि ही विल अर्न ए नोशनल इंटरेस्ट। बेशक अपने उसने उसको दिया हो, किसी इंटरेस्ट पे दिया हो चाहे ना दिया हो, असेसिंग ऑफिसर ने मान लिया कि ये क्या है, नोशनल इंटरेस्ट रहेगा इस डिपॉजिट के ऊपर, और इस नोशनल इंटरेस्ट को टैक्स कर देंगे अंडर सेक्शन PGBP के अंदर, इस नोशनल इंटरेस्ट को जो भी उसके डिपॉजिट्स के ऊपर आया है। तो द इश्यू इज, क्या नोशनल इंटरेस्ट, क्या नोशनल इंटरेस्ट, क्या नोशनल इंटरेस्ट, जस्ट मिनट, क्या नोशनल इंटरेस्ट ऑन फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड बाय एन एसएससी, जो फ्री इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन द रेंट बी ब्रॉट टू टैक्स एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो नॉशनल इंटरेस्ट रहेगा दैट विल कम अंडर बिजनेस इनकम नॉशनल इंटरेस्ट और विल कम अंडर PGBP और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, विच पार्ट विल कम। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि देखो, सिंस 28 सबसेक्शन 4, वो PGBP के बारे में हमने अभी तक PGBP के बारे में पढ़ा नहीं, हम आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोज आएंगे, वहां पे पढ़ेंगे, वो बिजनेस इनकम से कंसर्न करता है और ब्रिंग टू द वैल्यू एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट, परक्यूजिट की कोई भी बेनिफिट है वो उसको टैक्स के लिए लाने के लिए बताता है, टैक्स करने के लिए एक तरीका बताता है कैसे उसको टैक्स किया जा सकता है, और दैट परक्यूजिट और द बेनिफिट वेदर इज कन्वर्टेबल इन टू मनी और नॉट arising from business or exercise of profession, it can be invoked only where the benefit of amenity practitioner otherwise than by you request. अगर cash नहीं है, otherwise then by way of cash. अगर cash है ना, cash है तो ये PGBP वाला benefit हम invoke नहीं कर सकते। तो section 23(1) deal with the determination of expected rent. एक्सपेक्टेड रेंट की बात करते हैं कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी की फॉर कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस कंटेम्पलेट्स द पॉसिबल रेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी माइट फेच एंड सर्टेनली नोट द इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दैट मे बी प्लेस्ड बाय द टेनेंट विद द लैंडलॉर्ड इन कनेक्शन विद द लेटिंग आउट सच फॉर सच नोशनल इंटरेस्ट इन नीदर एसेसिबल PGBP नॉर एस हाउस प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेटा ठीक है, असेसिंग ऑफिसर आपकी बात ठीक है कि जब प्रॉपर्टी को आप रेंट पे नहीं दे रहे तो वहां पे नोशनल रेंट का कंसेप्ट आपने पढ़ाया था वो तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे नोशनल रेंट को कैलकुलेट करने के पास हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि हम म्यूनिसिपल वैल्यू को कंसिडर करते हैं फेयर रेंट के साथ, फेयर रेंट को स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और यहाँ से फिर जो आता था एक्सपेक्टेड रेंट आता है उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ, और उसके बाद एक फाइनल वैल्यू आती है उससे हम नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल इंटरेस्ट में एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं तो सिर्फ जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो नोशनल रेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नोशनल रेंट की तो बात समझ में आएगी, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि नोशनल इंटरेस्ट, तो नोशनल इंटरेस्ट असेसिंग ऑफिस ने बेटा इस पर्टिकुलर केस में क्या किया, 18% पर एनएम के हिसाब से रेंट लगा के उसकी इनकम को असेस कर दिया और उसको टैक्स के लिए लगा दिया। अब आपको कहां से आ गई 18%,
कि 16% क्यों नहीं है, 17% क्यों नहीं है? तो वही कह रहा है डिपार्टमेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, कि दिस कंप्लीट्स दैट, दिस कंटेम्पलेट्स दैट द पॉसिबल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी माइट फैच, उसको कितना पॉसिबल रेंट आ सकता है वो नोशनल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिक्स डिपॉजिट उसको सबमिट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मे बी प्लेस विद द टेनेंट विद द लेटिंग आउट ऑफ द सब्सटेंस प्रॉपर्टी, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करें? तो इसलिए नोशनल इंटरेस्ट इज नीदर असेसिबल एज पीजीबीपी नो उसकी, तो नोशनल इंटरेस्ट को हम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं कर सकते, दैट इज इट। ओके बेटा, तो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, मेरी तरफ से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म है, और जितने भी वीडियो आए हैं वो सारे आप देख लेना, उसमें सारा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं रहा या आप सोच रहे हो कि सर प्रैक्टिस नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए बोर हो जाएगा, समझना पड़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आप चाहते हो कि सर एक डेडिकेटेड उस प्रॉब्लम के ऊपर एक बनाइए, तो वो भी बनाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको जो भी बताया उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल केस लेके मैंने किए, बट इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। बट द थिंग इज आपको बेसिक समझ में आने चाहिए, वो सब समझ में आकर आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।